अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्री पवन जी कासलीवाल की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुजी कासलीवाल जयपुर एवं पुत्री दिव्या चौधरी, दामाद अरिहंत चौधरी, दोहिते क्षायिक चौधरी व श्रद्धान चौधरी किशनगढ़ अजमेर राजस्थान। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अयरियाणम, नमो उवज्यायाणम, नमो लोए सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंक, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान, अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः, सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनां ध्येयम्। हास्य मूल ग्रंथ कर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास्त, उत्तर ग्रंथ कर्ता रहे श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवा ते श्याम वचनानुसार। आचार्य श्री कुंदकुंद नामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितम श्रोता रहे सावधानतया श्रृणवंतु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्मानाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है आचार्य सूर्य सागर जी साहब की, यह सुंदर अनुपम रचना। और यहाँ श्रावकों के जीवन निर्माण के लिए श्रावक की चर्या किस तरह की होती है उसे प्रतिपादित किया जा रहा था। इस संबंध में कल हमने अनर्थों से बचने का प्रयत्न किया, 17 प्रकार के अनर्थ कहे और कहा कि जो भी श्रावक है वो श्रावक 17 प्रकार के अनर्थों से बचे, माने जितना संभव हो सके हम कोशिश यह करें कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अनर्थ ना होवे। बहुत तरह के अनर्थ हैं जो हमें अनर्थ जैसे दिखते नहीं हैं, लेकिन जिनवाणी कह रही है कि भैया ये तो अनर्थ हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप जैसे धर्म समझ रहे हैं वो धर्म नहीं है, आप जैसे अपनी लाइफ समझ रहे हैं वो लाइफ नहीं है, आप जिसके बारे में ऐसा समझ रहे हैं कि ये तो उत्तम कार्य मेरे द्वारा किया गया है, बोले वो कार्य उत्तम नहीं है, वो कार्य अनर्थ करा देने वाला है। इस तरह के 17 प्रकार के अनर्थों की चर्चा कल हमने पढ़ी थी और आपके ध्यान में होगा ही कल हमने जन्मदिन के संदर्भ में भी कुछ विशेष प्रकार की चर्चा आपके बीच में की है। माने जन्मदिन किस तरह से मनाया जाना चाहिए, छोटों से लेकर के बड़ों तक के लिए सबके लिए हमने कल जन्मदिन की चर्चा भी आपके बीच में कर ली थी। आज हम बढ़ रहे हैं श्रावक की 53 क्रियाओं की तरफ। श्रावक के जीवन में 53 क्रियाएं, पेज नंबर है 207। बहुत बार चर्चा चलती है श्रावक की 53 क्रियाओं के संदर्भ में, वर्णन नहीं मिलता है, विस्तार नहीं मिलता है और नामोल्लेख तक नहीं मिलते हैं। हम ऐसा ही सोच करके रह जाते हैं कि आखिर ये 53 क्रियाएं कौन सी होगी जो श्रावक के द्वारा की जा रही है। बोले अब यहाँ नाम भी सुनेंगे, याद भी करेंगे, उन बातों को समझेंगे भी और अपने जीवन से उन्हें छांट भी देंगे, उन्हें छटनी भी कर देंगे जो जो करने योग्य होगी उनकी। श्रावक की 53 क्रियाएं
लाठी संहिता का श्लोक यहाँ प्रस्तुत किया है। हम श्लोक पढ़ते हैं फिर उसकी चर्चा करेंगे। गुण वय तव सम परिमा दानम च अनतिमियम दंसन नान चरितम क्रिया ते वर्ण सावयाणम च। इस गाथा में श्रावक के लिए करने योग्य 53 क्रियाओं का वर्णन किया गया। श्रावक के लिए किए जाने योग्य 53 क्रियाओं का वर्णन यहाँ इस उसमें किया है। देखिए आप इस गाथा में क्या क्या बातें कही हैं, वे 53 बातें कौन कौन सी हैं उसे बता रहे हैं। वे इस प्रकार हैं, मूल गुण तो आठ हैं। माने 53 क्रियाओं में से अष्ट मूल गुणों का पालन होना चाहिए सबसे पहले तो। फिर वय माने होता है व्रत 12, गुण वय तव सम परिमा। आपको प्राकृत समझ में आ रही है क्या? ऊपर सब शब्द बराबर आपको दिखेंगे उसमें। मूल गुण 8, व्रत 12, तप 12 प्रकार, समता 1, प्रतिमा 11, दान 4, जल गालन विधि 1, रात्रि भोजन और दिवा मैथुन का त्याग ये 1, दर्शन 1, ज्ञान 1 और चारित्र 1, ये श्रावक के 53 क्रिया हैं। ये श्रावक की 53 क्रियाएं हैं। यदि 2 लाइन की ये गाथा हमारे को याद हो जाए तो श्रावक की 53 क्रियाएं याद हो जावे। गुण वय तव सम परिमा दानम च अनतिमियम दंसन नान चरितम क्रियाते वर्ण सावयाणम च। सेकेंड लाइन तो बहुत ईजी है। दंसन नान चरितम, दर्शन ज्ञान और चरित्र, क्रिया माने क्रिया, तेवन्न 53 क्रियाएं हो गई, और सावयाणम च श्रावकों की, सावयाणम च और श्रावकों की, तेवन्न क्रिया 53 क्रियाएं, दंसन नान चरित्रम दर्शन ज्ञान और चरित्र, और बाकी 50 क्रियाओं की चर्चा ऊपर कह दी गई। देखिए इन सबको बतला रहे हैं कैसे कैसे हैं, याद करने की दृष्टि से भी आसान है। 8 मूल गुण, 12 व्रत, 12 तप, ठीक है ना। फिर समता, प्रतिमा, सम माने समता, परिमा माने 11 प्रतिमाएं, दानम मतलब दान, और अनतिमियम जल गालन की विधि, और रात्रि भोजन दिवा मैथुन त्याग। इस तरह से 50 क्रियाएं हो गई, और दर्शन ज्ञान और चारित्र इन तीनों को मिलाने से 53 क्रियाएं हो गई। थोड़ा सा उपयोग को यदि अपन लोग एकाग्र करेंगे तो 53 क्रियाएं अपने को ऐसे याद हो जाएगी, फटाफट ऐसे याद हो सकती है, कठिन नहीं है। चलिए इनका थोड़ा सा नामोल्लेख और विस्तार देखते हैं। नीचे गुण, अष्ट मूल गुण, अब अष्ट मूल गुणों के नाम तो याद ही हैं, अब इसमें क्या करना है। मध्य मांस मधु, बड़ का फल, पीपर का फल, पाकर फल, उदुम्बर फल, कठुम्बर फल, इनके त्याग रूप 8 मूल गुण हैं। 8 मूल गुणों की बात हो गई। क्या फिर ये कह रहे हैं यहाँ पर, वय माने हैं व्रत, ये क्या हैं? बोले 5 अणुव्रत के दिए हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, शील और परिग्रह परिमाण, ये हो गए 5 व्रत। इनका नाम हो गया व्रत। ये 5 ही नहीं, इनके साथ में 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत भी। गुणव्रत कहे हैं दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत, और शिक्षा व्रत कहे हैं सामायिक, भोगोपभोग परिमाण, प्रौषधोपवास, अतिथि संविभाग, ये 4 शिक्षा व्रत हो गए। तो 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत और 5 अणुव्रत, इस तरह से हो गए 12 प्रकार के व्रत। बातें सब स्वाध्यायी अभ्यासी लोग जो सब
साल दो साल से सुन रहे हैं उनके भी बातें लिए उनके लिए भी बहुत आसान है, और जो लोग और ज़्यादा बहुत पुराने समय से सुन रहे हैं उनके लिए तो ये सब बातें बहुत आसान है ही। 8 प्रकार के मूल गुण हो गए, 12 प्रकार के व्रत हो गए, और तप माने 13 प्रकार के, ये तप 12 प्रकार के तप हैं, 12 व्रत, 12 तप, 8 मूल गुण। इतना तो कितना ईजी हो गया। देखो अभी जैसे मैं आपको बतलाऊँ याद करने की दृष्टि से, तो टोटल करते जाओ, 8 मूल गुण और बोले 12 व्रत और 12 तप, तो 24 और 8 32 हो गए, ठीक है ना, 24 और 8 32 हो गए। अब इन 32 में जोड़ो 11 प्रतिमाएं, तो 11 प्रतिमाएं जोड़ने पर 43 हो गए, ठीक है ना। अब इन 43 में जोड़िए 4 प्रकार के, तो क्या कहेंगे अपन, दान, तो 43 और 4 47, और दर्शन ज्ञान चारित्र, इन तीन को जोड़ दो तो 50 हो गई। ये 50 तो फटाफट याद हो गए हमारे को, और इन 50 के अलावा 3 इन्होंने और सिंगल सिंगल कह दिए हैं, जल गालन विधि हो गई, समता हो गया, और रात्रि भुक्ति त्याग या दिवा मैथुन त्याग, दोनों को मिला करके एक कह दिया है, तो 3 ये हो गए। तो इस तरह से 53 क्रियाएं हो गई। कठिन नहीं है, क्योंकि ग्रुप है ना, ग्रुप को यदि ध्यान में रखा जाता है तो फिर कठिन नहीं लगता है, फिर इजी हो जाती है बात। देखिए तप के नाम बतला रहे हैं आगे, अनशन पहला नंबर, फिर उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश, विविक्त शय्यासन, फिर प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये 12 तप है। 12 प्रकार के तपों के नाम भी पता है हमारे को, 6 बहिरंग तप हैं, 6 अंतरंग तप हैं। जो बहिरंग तप होते हैं उन्हें बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये तपस्वी हैं, अंतरंग तप वे होते हैं जिनको देखने से ऐसा लगे नहीं कि ये तपस्वी हैं, उन्हें अंतरंग तप कहा गया है। कोई व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा हो तो बाहर से देखने पर तपस्वी जैसा नहीं लगता, इसलिए हमें लगता है कि इसने क्या तप किए, कुछ भी तो नहीं किए, तो तपस्वी जैसा नहीं दिखता है। तो ये 12 प्रकार के तप, इन्हें भी यहाँ बराबर जान लेना चाहिए। तो मूल गुण हमें पता है, मूल गुणों की विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, 12 प्रकार के व्रतों की चर्चा भी पहले तो हम कर चुके हैं। यहाँ एक 12 प्रकार के तपों में विविक्त शय्यासन नाम का आया है, उसका अर्थ होता है एक ही करवट से सोना, विविक्त शय्यासन, विविक्त शय्यासन, एक ही करवट से सोना, ये विविक्त शय्यासन कहलाता है। वृत्ति परिसंख्यान माने जब आहारचर्या के लिए निकलें तो अटपटी प्रतिज्ञाएं लेकर के निकले, ये वृत्ति परिसंख्यान कहलाता है। एक है विविक्त शय्यासन, शय्यासन है ना, उसमें शय्या आसन, विविक्त शय्यासन माने धरती पर सोना, एक करवट से सोना, ये विविक्त शय्यासन है। और वृत्ति परिसंख्यान का अर्थ है मनराज जब आहारचर्या के लिए जावें तो अटपटी प्रतिज्ञा लेकर के जावें। अब चूंकि यहाँ तो चर्चा और प्रकरण श्रावक के संदर्भ में चल रहा है, अब चूंकि श्रावक के संदर्भ में चल रहा है तो श्रावक तो प्रतिज्ञा लेकर के जाएगा नहीं इस तरह से अटपटी प्रतिज्ञा लेकर के, तो ये तो मुनिराजों का चिन्ह है इस तरह का चिन्ह, तो अब श्रावक क्या करेगा ऐसी परिस्थिति में। श्रावक के बारे व्रत बतलाए हैं, तो श्रावक के लिए व्रत परिसंख्यान क्या होगा, श्रावक के लिए व्रत परिसंख्यान होगा अपनी लाइफ में रोजाना बदल बदल करके कुछ न कुछ खाने पीने संबंधी नियम लेते रहना, ये व्रत परिसंख्यान श्रावक की क्रियाएं हैं ये,
श्रावक करता है इस तरह का, बराबर बराबर पालन करता रहेगा, सोचता रहेगा चल यार आज ये नहीं खाएंगे, आज इस चीज़ का त्याग कर दिया, वैसे ही चलते चलते ही आज हमने इस चीज़ को छोड़ दिया, ये ऐसा व्रत परिसंख्यान। सेल्फ कंट्रोल के लिए है जी, हम अपने आप को कितना कंट्रोल कर पाते हैं, हम कितना कंट्रोल अपने इच्छाओं पर कर पाते हैं, उसके लिए ये सब बातें कही है। व्युत्सर्ग शब्द का अर्थ होता है देह के प्रति ममत्व का त्याग। व्युत्सर्ग माने होता है ममत्व का त्याग, ममता परिणाम नहीं रखना, मोह ममत्व परिणाम नहीं रखना, अति आसक्ति के परिणाम नहीं रखना, ये व्युत्सर्ग कहलाता है ना। हो गए मेरे ख्याल से, अब तो और तो कोई कठिन शब्द नहीं है, यहाँ सारे ही शब्दों की चर्चा हो गई है। अनशन माने उपवास, उनोदर माने एक टाइम खाना लेकिन भूख से कम खाना, वो उनोदर। वृत्ति परिसंख्यान माने भोजन में अटपटे से नियम ले लेना। रस परित्याग माने रसों को बदल बदल करके भोजन ग्रहण करना। काय क्लेश शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करना, काय क्लेश शरीर के कष्टों की परवाह नहीं करना। विविक्त शय्यासन एक ही करवट से एक ही आसन से सोना। क्या फिर प्रायश्चित, प्रायश्चित लेना अपनी गलतियों के लिए, अरे गलतियां ही महसूस नहीं होती है क्या प्रायश्चित लेंगे, श्रावक के करने योग्य बातें कह रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको आपकी लाइफ में किसी तरह की कोई गलती नहीं दिखती हो, जहाँ गलती दिखती हो वो बिल्कुल उसका प्रायश्चित लेवें। जब आपको ऐसा लगता हो कि यहाँ मैं गलती पर हूँ, आप प्रायश्चित लेवें, आपको लगता हो कि यार ये मैंने गलत किया है, आप उसका प्रायश्चित ले लीजिए। विनय समझते ही हैं, वैयावृत्ति समझते ही हैं, स्वाध्याय ख्याल में आता है, व्युत्सर्ग बतला दिया है, और ध्यान। मंदिर में भी नियम उठना है कि पर्ची अपन उठा सकते हैं, डाल सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए समता, समता आगे बढ़ रहे हैं अपन, समता क्या चीज़ है, समता के बारे में कह रहे हैं सामायिक करना, राग द्वेष छोड़ना, ये समता भाव है। सब प्राणियों पर अर्थात शत्रु और मित्र दोनों पर सामायिक के समय समान भाव रखना, दोनों ही प्रकार के प्राणियों पर, चाहे द्वेष के शत्रुओं चाहे मित्र हों, शत्रुओं के प्रति भी और मित्रों के प्रति भी, दोनों के प्रति एक जैसा परिणाम, ये सामायिक कहलाता है। अब एक जैसा परिणाम रहता ही नहीं है, मित्र तो हमारे अनुकूल दिखाई देते हैं, शत्रु हमें प्रतिकूल दिखाई देते हैं, राग द्वेष पनपता रहता है, और ये कह रहे हैं राग द्वेष किया तो आपका सामायिक नहीं है, समता नहीं है। धर उर समता भाव सदा सामायिक करिए, समता भाव को धर करके सदा ही सामायिक करनी चाहिए। फिर देखिए परिमा माने प्रतिमा, प्रतिमाएं कौन कौन सी हैं, तो 11 प्रतिमाओं के यहाँ नाम बताए। दर्शन पहला नंबर पर, दर्शन प्रतिमा, आप जानते हैं दर्शन प्रतिमा का मतलब, दर्शन प्रतिमा का अर्थ अकेला देव दर्शन करना नहीं होता, दर्शन प्रतिमा का मतलब दर्शन से संपन्न होता है, दर्शन प्रतिमा का मतलब निर्दोष रीति से सम्यक दर्शन का पालन करना, ये दर्शन प्रतिमा के अंतर्गत आएगा। फिर व्रत प्रतिमा, इस व्रत प्रतिमा में 12 प्रकार के व्रतों की चर्चाएं आ जाएगी। फिर सामायिक करना, ऊपर समता भाव भी कहा था, अब ये सामायिक भी आ गया है। प्रौषध माने देखिए ये जो 53 क्रियाओं की चर्चा लाठी संहिता के अंदर की है, इसमें कई अपने को ऐसे भी लग रहे हैं जो कॉमन लग रहे हैं, बहुत सारे नाम ऐसे दिख गए जो कॉमन दिखाई दे रहे हैं, जैसे दर्शन प्रतिमा में दर्शन शब्द दिया, और फिर नीचे दंशन नाण चरित्र के अंदर दंशन शब्द दिया, कॉमन हो गया। व्रत नाम की ये प्रतिमा कही, और पीछे 12 व्रतों के नाम बतलाए,
तो 12 व्रतों के अंदर भी 12 आ गए व्रत, और प्रतिमाओं के अंदर भी व्रत नाम आ गया। अब डबल हो गया ना, फिर अलग से व्रत नाम देने की क्या जरूरत है, अलग से व्रत नाम देने की क्या जरूरत है, वो तो वहीं आ गया है। जब 12 के 12 व्रतों की चर्चा पीछे कर दी है तो, लेकिन कोई बात नहीं, अब दिए हैं। जैसे सामायिक, अब ये प्रतिमाओं में भी सामायिक आ गया, और सामायिक को 53 क्रियाओं में अलग से भी गिना दिया है। इसी तरह से आगे चलें तो सचित्त त्याग तो ठीक है, रात्रि भोजन त्याग अथवा दिवा मैथुन त्याग, ये छठी प्रतिमा कही है, और इसी छठी प्रतिमा का नाम अलग भी दिया है, अनथिमियम शब्द दे करके रात्रि भोजन और दिवा मैथुन का त्याग कहा है। तो कोई बात नहीं, जो कॉमन हो रही हो उन्हें कॉमन रीति से स्वीकार कर लेना, क्या करें, कहिए भाई साहब जितना कहा है उतना स्वीकार कर लिया है हमने। फिर ब्रह्मचर्य, फिर आरंभ त्याग, आरंभ का त्याग करना, फिर परिग्रह त्याग, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, फिर अनुमति त्याग और उद्दिष्ट त्याग, अनुमति त्याग भी और उद्दिष्ट त्याग भी, इस तरह से 11 प्रतिमाएं कही गई है। देखिए जो प्रतिमाएं प्रतिमाधारी व्यक्ति अपने जीवन में पालन कर रहे हैं, आगे आगे की प्रतिमा में पिछले पिछले नियम नियम से पलते रहते हैं। क्या ख्याल में आ रही है बात? जैसे मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति 7वीं प्रतिमाधारी हो गया, तो 7वीं प्रतिमाधारी होने का मतलब 6 प्रतिमाओं में जितने नियम थे उतने नियमों का तो वो नियम से पालन करेगा ही करेगा। क्या कोई व्यक्ति दूसरी प्रतिमा वाला है तो उसके पहली प्रतिमा वाले जितने नियम तो होंगे ही होंगे। क्या अभी जैसे मान लीजिए 10वीं प्रतिमाधारी है, अनुमति त्याग प्रतिमा है, अब वो किसी चीज की अनुमति नहीं देगा घर गृहस्थी के कार्यों में। अब हमारी कोई अनुमोदना नहीं है, अनुमति नहीं है, आप हमसे नहीं पूछें कि बच्चे का संबंध यहाँ कर दें क्या, अब आप हमसे नहीं पूछें बेटी के लिए ये रिश्ता बराबर है क्या, क्योंकि अनुमति त्याग है यहाँ। अब हमसे कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये अनुमति त्याग। तो अब 11वीं प्रतिमाधारी है, कोई उद्दिष्ट त्याग है उसके, तो अनुमति दे सकता है कि नहीं, अनुमति होगी ही नहीं। तो ब्रह्मचर्य बोले वो तो 7वीं प्रतिमा में ही हो गया था, तो यहाँ तो पालन करेंगे ही। अब मैं इसके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ, जब प्रतिमाओं के लेवल में ही ऊपर बढ़ते बढ़ते पीछे की बातों का पालन सहज किया जाता है, तो फिर मुनि भूमिका में आकर ये जो उद्दिष्ट त्याग वाली बात है इसका पालन कैसे नहीं होगा, ये बतलाइए। ख्याल में आ रही है क्या बात? 10वीं 11वीं प्रतिमा वाले घर में नहीं रहते हैं, ये ग्रह त्यागी हो जाते हैं। क्या ये घर से निकल गए हैं ये छोड़ करके? अब सोचना, क्योंकि क्या है, बहुत सारे लोगों से ये उद्दिष्ट त्याग वाला मैटर समाज में बहुत उठता है, और बहुत सारे लोग कहते हैं पंडित जी उद्दिष्ट त्याग की बात कर रहे हो आप, उद्दिष्ट त्याग क्या है? अच्छा 28 मूल गुणों के अंदर तो उद्दिष्ट त्याग है ही नहीं। मने राज्यों के लिए जो 28 मूल गुणों की बात कही है उसमें उद्दिष्ट त्याग तो है ही नहीं। तुम फटाफट निषेध कर देते हो कि साहब ये तो उद्दिष्ट भोजन लेते हैं, ये तो उद्दिष्ट भोजन ले रहे हैं। क्या अब उद्दिष्ट भोजन ले रहे हैं इसलिए आपने झटके से निषेध कर दिया? लेकिन भाई जब उद्दिष्ट भोजन का त्याग 11वीं प्रतिमा में ही हो गया, तो 11वीं प्रतिमा का मतलब एलक दशा, एलक और शुल्लक, ये 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक होते हैं, इनके उद्दिष्ट भोजन का त्याग होता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्री पवन जी कासलीवाल की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुजी कासलीवाल जयपुर एवं पुत्री दिव्या चौधरी, दामाद अरिहंत चौधरी, दोहिते क्षायिक चौधरी व श्रद्धान चौधरी किशनगढ़ अजमेर राजस्थान।